हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज मैं क्लास टेंथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूरा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पास टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमको चेक करके बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है ना, बताते समय हमको ये जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक, पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है ना, देखिए यहां पास क्या दिया है कि दोनों एंगल का जो सम है वो एक साथ दिया है। ठीक है ना, लेकिन आरएचएस साइड में दोनों एंगल को सेपरेट किया। ठीक है ना, तो क्या अगर साइन ए प्लस बी अगर एलएचएस में रहेगा, ठीक है ना, और आरएचएस में अगर हम ले लें साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या वो दोनों इक्वल होगा, मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। ठीक है ना, ये चीज हमको बताना है चेक करके। ठीक है ना, तो आइए चेक करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पास, लेट कर लेंगे एंगल ए इक्वल टू, लेट एंगल ए इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 स्पेसिफिक एंगल लेना है। ठीक है ना, या फिर 90 डिग्री। ठीक है ना, जो भी लेना है आपको ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पास मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री। ठीक है ना, और एंगल बी इक्वल टू मैं 60 डिग्री, और वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो चेक कर पाएंगे नहीं। ठीक है ना, यहाँ पास ये मत सोच लिए कि यहाँ पास मल्टीप्लाई करते हैं तो सही हो जाए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पास एक ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है ना, कोई एलजेब्रा नहीं है कि यहाँ पास मल्टीप्लाई करके और हम ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, एंगल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, पहले चीज मैं आपको बताया था। ठीक है ना, यहाँ पास ए प्लस बी दिया है तो इस दोनों एंगल को आप सेपरेट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पास मैं चेक करूंगा, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो अलग आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पास एलएचएस को लेता ना, टेकिंग एलएचएस, कहीं पास भी अगर ऐसा दिया हुआ ना और आरएचएस में ऐसा दिया है तो समझ लीजिए कि एंगल तो सेपरेट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, यहाँ पास मैं जस्टिफाई भी करूंगा आपको, एलएचएस लेता हूँ। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60 डिग्री। ठीक है ना, यही ना होगा और क्या होगा। ठीक है ना, एक जगह पे ये लिया 30 डिग्री और बी की जगह ये, तो आया हमारा साइन, इन दोनों को ऐड करेंगे 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, मतलब एलएचएस हमारा आया है 1। ठीक, अब आरएचएस को लेते हैं, टेकिंग आरएचएस, इसमें है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए का मान साइन ए, एक जगह पे लेंगे 30 डिग्री प्लस साइन बी, बी के जगह पे लेंगे हम 60 डिग्री। ठीक है ना, साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और 60 का होता है √3/2, बेस सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा यानी 1 + 3/2। ठीक है ना, अब देखिए हियर हियर एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस का वैल्यू 1 आया है, आरएचएस का 1 + √3/2 आया है। ठीक है ना, तो कभी भी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा भविष्य में, ठीक है ना, क्लास टेंथ में और आगे भी जाएंगे। ठीक है ना, तो जो एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ जो एंगल होता है, ठीक है ना, जैसे कोई ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है ना, इसके बाद क्या है ये एंगल है। ठीक है ना, तो इस एंगल को आप सेपरेट मत कर दीजिएगा इससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, देखिए वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, जैसे आप साइन 90 - ए ले सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसे आप कर सकते हैं और इसका जो वैल्यू है वो कॉस ए ले सकते हैं। ठीक है ना, ये अलग चीज है। ठीक है ना, लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते साइन 90 - साइन ए, ये अलग चीज हो जाएगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू वही चीज तो मैं यहाँ पास किया हूं, यहाँ पास देखिए साइन ए का मल्टीप्लाई किया है, मतलब साइन का मल्टीप्लाई ए में किया है, साइन ए हुआ प्लस साइन का मल्टीप्लाई बी में कर दिया, तो ये चीज आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, ऐसा गलती कभी नहीं करना। ठीक है ना, और नहीं समझ में आ रहा है तो चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पास मैं साफ चेक करके बता दिया। ठीक है ना, तो ये कभी भी सही नहीं होगा, यहाँ पास लिखेंगे फॉल्स। ठीक, एंगल तो सेपरेट हो ही नहीं सकता, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ ये जो एंगल आता है इसको सेपरेट करके आप कभी मत लिखिएगा। ठीक है ना, मतलब ये ना कि मल्टीप्लाई कर दी इसका इसमें और इसका इसमें, बीच में सम है तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक, फॉल्स यानी फॉल्स। ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, इसका मतलब समझिए। ठीक है ना, जो साइन थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है ना, थीटा यानी एंगल, ठीक है ना, एंगल, ठीक है ना,
मतलब जो साइन का वैल्यू होगा समझिएगा बात को, जो भी वैल्यू होगा ठीक है ना, जैसे थीटा के लिए यहां पर दिया तो साइन थीटा ठीक है ना, ठीक तो इसका जो वैल्यू होगा क्या इंक्रीज करेगा जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा क्या वैसे वैसे इसका जो वैल्यू है क्या इंक्रीज करेगा, जैसे यहां पास थीटा का मान मैंने पहले 0 डिग्री लिया फिर 30 फिर 45 ठीक है ना, तो हाँ बढ़ेगा क्योंकि साइन जीरो का मान जो होता है ऐसे ना, जैसे साइन थीटा अगर साइन जीरो ले थीटा इक्वल टू जीरो हम ले तो उसका मान होता है जीरो ठीक, साइन 30 का जो मान होता है साइन 30 का जो मान होगा पास दिस इंप्लाई लगा देता हूं ठीक है ना, इसके नीचे वाला है ठीक है ना, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका मान होता है साइन 60 का जो मान होता है वो होता है मान यानी वैल्यू ठीक है ना, √3/2, साइन 90 का मान होता है वो होता है 1। अब देखिए जीरो से हमने स्टार्ट किया था ठीक है ना, जीरो डिग्री से स्टार्ट किया था और 90 डिग्री तक लाए थे ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट हुआ ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दिया जाएगा पॉइंट में वैल्यू आएगा ना और 0 से 1 तक आएगा ठीक है ना, 1 पॉइंट नहीं 0 पॉइंट समथिंग आएगा ठीक है ना, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थीटा का जो वैल्यू है ठीक है ना वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो साइन थीटा का मान है ठीक है ना, साइन थीटा का मान है ठीक है ना, ये जो साइन थीटा का मान है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 0 से 1/2 आया फिर 1/√2 आया फिर 3/√3/2 आया ठीक है ना, उसके बाद 1 आया, मतलब 0 से 1 आया मतलब क्या, 0 से 1 आ रहा है मतलब बढ़ते क्रम में जा रहा है ठीक है ना, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे ट्रू ठीक, ट्रू ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पास बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस ठीक है ना, दम वही क्वेश्चन है ठीक है ना, मतलब थोड़ा साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा ला दिया ठीक है ना, बोल रहा है कि क्या कॉस थीटा का भी मान जो है वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते जाएगा, तो नहीं कॉस थीटा में ऐसा नहीं होता ठीक है ना, कॉस थीटा में क्या होता है कि कॉस थीटा में अगर थीटा का मान जीरो है ठीक है ना, तो थीटा का मान जीरो है तो कॉस जीरो का जो मान आएगा वो 1 आएगा ठीक है ना, अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो कॉस जो 90 का मान आएगा यानी कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0 ठीक है ना, तो यहां पर देखिए पहले हमने 0 लिया उसके बाद 90 डिग्री लिया, तो 0 से 90 तो बढ़ा ही है ना, मतलब थीटा का मान हमने इंक्रीज किया, थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया ठीक है ना, तो इसका तो वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ ना, मतलब 0 पर तो 1 आ गया लेकिन 90 डिग्री पर 0 आ गया, मतलब ये ध्यान दीजिएगा ये घटते क्रम में जा रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है ठीक है ना, 1 से 0 की तरफ जा रहा है मतलब क्या इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है ना कि इंक्रीज ठीक है, इसके जगह पर डिक्रीजेस लिखा होता ठीक है ना तो एक बार सही हो जाता ठीक है ना, अगर इंक्रीजेस की जगह पर डिक्रीजेस लिखा होता तो सही हो जाता, क्योंकि 1 से 0 तरफ जा रहा है ठीक है, यहां पर 0 से 1 की तरफ जा रहा था मतलब बढ़ते क्रम में जा रहा है ठीक है ना, जाहिर सी बात है 1 बड़ा होगा 0 से ठीक है ना, लेकिन यहाँ पास उधर साइड जा रहा है ठीक है ना, तो उधर साइड मतलब वो घटते क्रम में जा रहा है, नहीं हाँ घटते क्रम में जा रहा है ठीक है ना, तो घटते क्रम में जा रहा है यानी डिक्रीजेस हो रहा है ठीक है ना, और यहाँ पास इंक्रीजेस बोला है तो फॉल्स लिखेंगे ठीक है ना, कॉस वाले में क्या होता है कि जैसे जैसे हम एंगल का मान बढ़ाते जाएंगे थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो कम होते जाएगा ठीक है ना, तो ये हमारा फॉल्स हो गया ठीक। अब यहां पास बोला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का मान सभी थीटा के लिए इक्वल होगा, नहीं केवल एक जगह इक्वल होता है कॉस साइन 45 डिग्री, जैसे अगर थीटा इक्वल टू ले लें समझिए बात को, इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ठीक है, देन साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है ना, तो साइन 45 यहाँ पास समझ लीजिएगा ठीक है ना, पूरा लिखू मैं लिखे देता हूँ कुछ लोगों ना समझ आएगा, साइन 45 डिग्री और यहाँ पास कॉस 45 डिग्री ठीक, इसका वैल्यू आएगा 1/√2 ठीक है ना, मतलब अगर थीटा का जो वैल्यू है ठीक है ना, यहाँ पास ऑल लिख गया ना, ऑल की जगह पे अगर यहाँ पास लिखा होता थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तब तो सही हो जाता ठीक है ना, क्योंकि केवल 45 डिग्री के लिए ही थीटा का अगर वैल्यू 45 डिग्री ठीक है ना तो ही आएगा ठीक है ना, अगर यहाँ पास कोई और वैल्यू के लिए देखा जाए जैसे 45 डिग्री के लिए ठीक है ना,
अगर चेक किया जाए इफ थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, समझिएगा बात को, अगर थीटा का वैल्यू जीरो रखते हैं तो इसमें जो साइन जीरो का मान आएगा वो आएगा जीरो, ठीक, साइन जीरो का मान आएगा वो जीरो, और कॉस जीरो का जो वैल्यू आएगा वो आएगा वन, ठीक है ना, वन। तो यहां पास तो थीटा का जो वैल्यू है अगर हम 45 लिए तो सही था ना, लेकिन अगर हम इफ थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, अगर हम थीटा इक्वल टू जीरो ले लेंगे, ठीक है ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना, जीरो नहीं, यहां पास 30 भी ले लेंगे, 60 भी ले लेंगे, 90 भी ले लेंगे तो ही फॉल्स ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, एक जगह सही होगा, कब, 45 डिग्री पर, ठीक है ना, क्योंकि कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पास बोला है ये फॉल्स हुआ ना, हाँ फॉल्स, ठीक, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब समझिए, अगर हम कॉट जीरो का मान निकाले तो क्या नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है ना, यहाँ पास ए इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एंगल अगर जीरो रहेगा, समझिए बात को, अगर हम कॉट जीरो का मान निकाले, ठीक है ना, जैसे कॉट ए का मान निकाल रहे हैं, समझिए बात को, निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एंगल ए जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना, तो मतलब कुल मिलाकर हम कॉट जीरो का मान निकाल रहे हैं, ठीक, कॉट जीरो का जो वैल्यू आएगा क्या नॉट डिफाइंड आएगा, ये चीज हमको बताना है, ठीक है ना, तो बताते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में, जैसे यहां पास ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना, यहां पास लिखता हूं कॉस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा, चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, देखिए एक्चुअली में होता टेन थीटा का है, ठीक है ना, होता किसका है, टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक, लेकिन कॉट थीटा भी तो हम निकाल सकते हैं, अगर टेन थीटा का वैल्यू दिया है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना, तो देखिए यहां पास क्या आया है, एंगल ए इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, तो यहां पास हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन में साइन ए, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, भाई ये चीज तो हम लिख सकते हैं ना, ये तो फॉर्मूला है ना, कॉट ए का जो वैल्यू आएगा वो इस चीज से आ सकता है, कॉस ए अपॉन में साइन ए से, ठीक है ना। अब देखिए एंगल ए की जगह पे हमको क्या लेना है, जीरो डिग्री, ठीक है ना, यानी कॉट जीरो इक्वल टू, अब देखिए यहां पर लिखेंगे कॉस जीरो अपॉन में साइन जीरो, ठीक, यहां पर लिखेंगे कॉट जीरो इक्वल टू, कॉस जीरो का मान क्या होता है वन, और साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो, तो वन अपॉन में जो जीरो होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, वन अपॉन में जीरो को आप सॉल्व कीजिएगा तो नॉट डिफाइंड आया, ठीक है ना, अब ऐसे जनरली हम जीरो ही लिख देते हैं, ठीक है ना, अब तक तो हम जीरो ही लिखते आए हैं, ठीक है ना, चाहे जीरो में वन का डिवाइड करें या फिर उससे डिवाइड करें, जीरो ही लिखते हैं, ठीक है ना, इतना डीपली कॉस जाता है, ठीक है ना, लेकिन नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना, मतलब कॉट ध्यान दीजिएगा, कॉट जीरो का जो वैल्यू आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक, अगर ए इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना, ठीक, ये चीज याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन में साइन है, ठीक है ना, अगर टेन का निकालना है तो टेन ए इक्वल टू साइन ऊपर चला जाएगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है ना, टी आर यू, ठीक, ट्रू, ये चेक करना था हमको, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल एकेएमडी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।